हेलो एवरीवन, मैं हूं देवेश देवांगन और आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग इस पार्ट में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। मेरे पास कुछ यहाँ पे रेक्टेंगल, कुछ क्वाड्रिलेटरल और कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको हम आज बनाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे इसमें क्या कुछ है। इसमें कुछ नया नहीं है, जो हम लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं उन्हीं में से है, लेकिन क्वेश्चंस नए हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं उनको क्यों छोड़ू करके मैं आपको सामने लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ देखेंगे। एक यदि पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है, तो रोम्बस है, और एंगल एस पी क्यू 50 डिग्री है, तो एंगल आर एस क्यू क्या होगा आपको बताना है। इफ पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस एंड एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन एंगल आर एस क्यू इज। देखेंगे, मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा फिर उसको आपको समझाऊंगा, हो सकता है इधर ही बन जाएगा, दो क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, बहुत आसान रहता है। अभी तक आपने जितना वीडियो देखा है, यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि सब में वैसा ही कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो ये एक रंबस है, रंबस का यहाँ पे नाम दिया है पी क्यू आर एस, हम भी पी क्यू आर एस नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस। अब यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। ये डायगोनल ड्रॉ कर ली हम लोग डॉटेड, और ये दिया हुआ है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री दिया हुआ है। ये जो एंगल है वो हमको निकालना है। ठीक है, ये एंगल हमको निकालना है। तो इसमें हम लोग कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कुछ हम लोग रोम्बस के प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वो कोई ज्यादा एकदम टफ प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत इजी इजी प्रॉपर्टी है, देखेंगे। तो रोम्बस में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये तो हमको सबको पता है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, अभी ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। कौन कौन से, ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन पैरेलल है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये वाला लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ऐसा मान के चलना है। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। तो जब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो अंदर में एंगल वाइज है, यहां पे जो बनेगा, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब यहां जो एंगल आने वाला है, मतलब यहां जो एंगल आने वाला है, ये बड़ा वाला पूरा, ये पूरा जो बड़ा वाला एंगल आने वाला है, वो क्या हो जाएगा हमारा, इसको मिटा लो क्या, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50। तब तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये बड़ा वाला एंगल, पूरा का पूरा एंगल एस 130 डिग्री हो गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। अब देखिए, ये 130 डिग्री हो गया, तो रोम्बस का जो डायगोनल है, रोम्बस का ये डायगोनल है एस क्यू, ये क्या करता है, उस एंगल को जहां से ये निकल के आ रहा है उसको क्या करेगा, उसको बराबर बराबर दो भागों में बांटेगा। मतलब वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, क्या होता है, वो एंगल बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब ये क्या है, 130 है, तो एंगल जो ये क्वेश्चन मार्क में पूछा हुआ है, देखो यहां पे क्या दिया है क्वेश्चन में, एंगल आर एस क्यू, एंगल आर एस क्यू ये कितना हो जाएगा, 130/2, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, बराबर बराबर भागों में दोबारा मार देगा वो। ठीक है, यहां से ये कितना आ जाएगा, 65 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टली यूज किया। दूसरा क्या यूज किया कि एक एंगल बाइसेक्टर होता है, जो भी रोम्बस का डायगोनल होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा, उसको भी यूज किया, इजी है। ऐसा वाला क्वेश्चन और आगे चल के और देखेंगे। अभी यहां पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देखते हैं। देखो यहां पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक चतुर्भुज एबीसीडी में बीसीडी कोण क्रमशः 2A, 3A, 4A हो, तो सभी कोण एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी क्रमशः क्या होंगे, आपको बताना है। इफ द एंगल बीसीडी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर 2A, 3A एंड 4A, देन फाइंड आउट इट्स ऑल एंगल, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सबको आपको निकालना है। ठीक है, देखो ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ऐसा कोई टाइप नहीं दिया हुआ ना, कौन सा टाइप का है ऐसा नहीं है, कैसे भी बना लो आधा देर से। ठीक है, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो, ये तो ऐसा ट्रापेज़ियम जैसा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में है नहीं, ये एबीसीडी नाम दे देंगे हम लोग इसको, जैसे मैं क्वेश्चन में लिया हुआ हूँ एबीसीडी नाम दे दिए। ठीक है, और ये दिया हुआ है, ये 2A है, चलो 2A दे दिए, ये 3A है, चलो 3A दे दिए, ये 4A है, ये ऐसा दिया हुआ है, तो हमको सारा एंगल निकालना है। ठीक है, 2A, 3A, 4A, ये हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग वो कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, तो सारा एंगल जो हम लोग जोड़ लेंगे, ए प्लस 2A प्लस 3A प्लस 4A, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ये कितना हो जाएगा, 360, कितना हो जाएगा, ये 360। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 × 7 × 2 = 9 = 10, 10A इज इक्वल टू 360, A इज इक्वल टू 36।
ए कितना आ गया 36, या एंगल ए इसी को बोल सकते हैं, एंगल ए कितना आ गया हमारा 36 डिग्री आ गया, एंगल ए 36 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ जाएगा यहां से, एंगल बी इसका डबल है 72 डिग्री, ठीक है। एंगल सी कितना आ जाएगा यहां से, ये कितना हो जाएगा 108 आ जाएगा यहां से, ठीक है, ये 3A है, ठीक है। और एंगल डी कितना आ जाएगा, देखो कितना होगा 144, ये आ जाएगा टोटल। तो 36, 72, 108, 144 इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, यही इसका आंसर हो जाएगा, सब सबके सब एंगल हम लोग निकाल लिए। तो इसको ऐसे बनाना है, अभी ऐसे ही कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हो सकता है कोई टफ हो सकता है कोई बहुत ज्यादा इजी हो, सब प्रकार के क्वेश्चन का ये मिश्रण रहेगा। इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, देखा जाए तो सभी आया हुआ है, एग्जाम का ये पूरा हिस्सा है, उसको मैं कटिंग करके निकाला हुआ हूं, ठीक है। देखो यहां पे मैं दो फिगर ड्रॉ करके रखा हुआ हूं, इसमें हम लोग जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका वैल्यू निकालेंगे। पहला दिया है चतुर्भुज एबीसीडी में भुजाओं बी ए और सी डी को आकृति के अनुसार बढ़ाया गया है, तो निम्न में से कौन सा ग्रहण सत्य है। इसमें फिगर में बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन में दिख रहा है उसमें से कौन सा ट्रू है आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में जैसा दिया है इसको एक बार माइंड में रखो, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, एक्स वाई का मान दिया है एक तरफ और एक तरफ ए बी का मान दिया है, ठीक है, एक्स वाई और ए बी को हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें और कुछ दिया हुआ है क्या, ये ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल का टाइप दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। एक चीज देखो आप लोग सभी, देखो ये अंदर में वाई दिख रहा है, अंदर में एक्स दिख रहा है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम्स में हमसे नहीं बनते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत इजी है, इधर वाले एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं 180 माइनस ए, क्योंकि ये एक लाइन है और ये लीनियर पेयर हो जाएगा, ये 180 माइनस ए, इधर वाले को लिख सकता हूं मैं, ये ए है तो 180 माइनस ए, बहुत इजी है ये। वैसे ही इधर वाले को क्या लिख सकता हूं मैं, 180 माइनस बी, ऐसा लिख सकता हूं, बस अभी कुछ नहीं किया हुआ है, 180 माइनस ए लिखा, 180 माइनस बी लिखा, सबको जोड़ लेता हूं मैं, यहां से स्टार्ट करूं जोड़ना, चलो इसको लिखता हूं पहले एक्स फिर y, फिर प्लस 180 माइनस ए, 180 बार बार मैं 18 लिख डाल रहा हूं, 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी, सब मिला कितना हो जाएगा ये 360 हो जाएगा, पूरा इंटीरियर एंगल कितना हो गया 360 हो गया, ठीक। अभी देखो इसमें ऑप्शन में क्या किया हुआ है, एक्स वाई को एक साइड रखा हुआ है ना, ठीक है, वैसे ही करेंगे हम लोग। देखो ये एक्स और वाई, ये माइनस ए माइनस बी है, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई ऐसा लिख रहा हूं मैं इज इक्वल टू 360, और ये 180 360 माइनस 360 इधर ट्रांसफर हो गया, और ये माइनस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ये ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई 360 माइनस 360 प्लस ए प्लस बी, यहां से ये कैंसल हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ देखो ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत इजी है ये, ठीक है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न कभी कभी छूट जाता है क्योंकि कंक्लूजन लेना इसमें कुछ दिया नहीं है, तो स्टार्ट कहां से करें ऐसा हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक दिया है, ये पैरेललोग्राम दिया है, इस पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज दिया है, एक्स और वाई का मान हमको निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का हम लोग एक प्रॉपर्टी माइंड में रखेंगे कि जो अपोजिट एंगल होंगे, ये दोनों अपोजिट एंगल है, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम में क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं, वैसे ही ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये इक्वल ये इक्वल, यानी कि क्या हो गया, देखो ये 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 150, ये ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और वैसे ही 4x प्लस y इज इक्वल टू 75, 4x प्लस y इज इक्वल टू 75, ये दो इक्वेशन डायरेक्ट हमको मिल गए, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं इसको क्या कर रहा हूं, इंटू टू कर रहा हूं, क्योंकि ये देखो ये इंटू टू करने से 4x हो गया प्लस 10y इज इक्वल टू 300, इंटू टू कर दिया, ये कितना हो गया 300 हो गया, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूं, घटा लेता हूं, तो प्लस 4x माइनस 4x ये घट गया, यहां से आ गया 9y, 10y माइनस y 9y हो गया, और यहां से कितना हो गया ये 225, कितना आ गया ये 225, y इज इक्वल टू, देखो यहां से निकल रहा है क्या वैल्यू, 9 दुनिया 18 होता है, 9 2 जा, ठीक है, एंड 4 एंड 5 9 5 जा, ठीक है, ये आ गया 25, y इज इक्वल टू कितना आ गया 25, यही वैल्यू हमको एक निकालना था क्या, हाँ y का वैल्यू निकल गया 25। अभी x का वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई एक इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, x का भी वैल्यू आएगा, उसमें घबराने वाली बात
नहीं है। चलो इसमें रख के देख लेते हैं, यहाँ पे 4x plus y is equal to 75 है, ठीक है। मैं यहाँ पे मिटा लूँ क्या, थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, तो 4x plus यहाँ पे इक्वल टू रख लेता हूँ सीधा सीधा, ये 75 है और y जाके उधर माइनस, ये 25 हो जाएगा, माइनस 25। तो 4x is equal to यहाँ से कितना आ गया 50, तो x equal to आ गया यहाँ से 12.5, x equal to कितना आ गया 12.5। यही एक पूछा गया है, y is equal to 25, x equal to 12.5 डिग्री। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, देखो तो ऑप्शन बी देखो, x is equal to 12.5, y is equal to 25 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उल्टा नहीं लेना है, उल्टा ऑप्शन ए भी दिया हुआ है वैसा, लेकिन वैसा हमको नहीं लेना, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा आप बनाने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो गए हैं। अभी अभी और बनाने बनाते चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए यहाँ पे 60 डिग्री है और ए बी 12 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण बी डी क्या होगा आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इसको देखेंगे। इन रोम्बस ए बी सी डी एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन द डायगोनल बी डी इज, एक रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस देखो मैं ड्रॉ कर लेता हूं पहले, ठीक है। ये ऐसा दिया हुआ, देखो यहां पे थोड़ा सा तिरछा हो गया क्या, इसको मैं सीधा कर लेता हूं, ठीक। ये ऐसा दिया हुआ है, एक रोम्बस एबीसीडी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ये ए बी सी टी और ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, और ये डायगोनल बी डी हमको निकालना है, प्रश्न में यही निकालना दिया है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, हमको डायगोनल बी डी निकालना है। तो ध्यान देंगे, मैं थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी यूज किया हूं कि ये रोम्बस में क्या होता है, जो अपोजिट साइड से वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और अपोजिट साइड पैरेलल हो गए तो ये जो एंगल होगा इन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, यही मैं बताया हूं। और 180 डिग्री आ जाएगा इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, यहां से पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, क्योंकि ये 60 है, इन दोनों का एडिशन क्या बोल रहा हूं मैं, 180 होगा, तो ये 180 माइनस 60 हो जाएगा, तो यहां से कितना आ गया, ये 120, कितना आ गया, ये 120 आ गया। और ये बताया हूं कि डायगोनल जो है एंगल बाइसेक्टर होता है, डायगोनल क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, इसका मतलब ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, इसका मतलब ये 60 और ये भी 60 हो जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा, 120 बाई टू कितना हो जाएगा, ये 60, तो और ये 60 और ये 60 हो जाएगा। तो देखो कोई ट्राइंगल में एक दो एंगल जो है 60 60 आएगा, तो तीसरा भी डेफिनेटली कितना आएगा, 60 ही आएगा, 60 ही आएगा, इसका मतलब वो एक क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए, इसका मतलब वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड ये 12 है, ये 12 है, तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए जो डायगोनल बीडी है उसका वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। इजी था ये, प्रॉपर्टी के यूज किए हैं बस, ठीक है। चलिए अभी और ऐसा ही क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखो यहां पे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, उसको आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका नाम दिया हुआ है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस दिया हुआ है यहां पे, और दिया हुआ है कि एंगल पी इज फोर टाइम्स ऑफ एंगल क्यू, एंगल पी जो है एंगल क्यू का चार गुना है, एंगल क्यू का चार गुना है, तो इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। एंगल पी जो है एंगल क्यू का चार गुना है, इसको मान लो हम लोग क्यू ले लेते हैं, जो कि क्यू है, तो ये है फोर क्यू, ये क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, एंगल पी एंगल क्यू का चार गुना है, ये मान लो क्या है, क्यू है, तो ये फोर क्यू है, ठीक है, 4q होगा, चार गुना है। तो हम लोग जानते हैं फिर से ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, ये पैरेललोग्राम है, ये भी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, तो दोनों का एडिशन कितना आएगा, 180 आएगा, इसका मतलब 4q प्लस q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहां से 5q इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यू यहां से इतना आ गया 180/5, क्यू कितना आ गया 180/5, ये 5 दिया 15 हो जाएगा, अब 5 है का 30, ये 36 डिग्री आ गया, क्यू कितना आ गया 36 डिग्री आ गया, तो 4q कितना हो जाएगा, 4q कितना हो जाएगा 36 इंटू 4, ये आ जाएगा 144 डिग्री, कितना आ जाएगा 144 डिग्री। हमको क्या निकालना है, एंगल आर निकालना है,
तो एंगल आर तो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, एंगल आर इसके बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा ये भी 144 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको बनाना है। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे सारे क्वेश्चन एसएससी रेलवे में ऑलरेडी आ चुके हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं सर आप इजी इजी ही पढ़ाते हैं करके, क्या करें एग्जाम में भी वैसा ही आता है। ठीक है, 50 में से 5 क्वेश्चन ही ज्यादा टफ रहता है, बाकी तो ईजी ही रहता है, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन में जाने की आवश्यकता ही क्या है हमको, जब इजी से काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी और बना के देखते हैं। आप टफ टफ बोल रहे हैं, तो एक टफ वाला बना के देखते हैं। सम चतुर्भुज के एक कोण का माप 60 डिग्री है, यदि सम चतुर्भुज के सभी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब सम चतुर्भुज बराबर होगा, तो बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी होगी आपको बतानी है। वन ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए रोम्बस इज 60 डिग्री, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल इज। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना है। रोम्बस रोम्बस आ रहा है, ठीक है, फिर से रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक, पैरेललोग्राम जैसा दिखेगा, मान के चलना है रोम्बस, ठीक है ना, ये डी है, ये ए है, ये बी है, और ये ए है, सॉरी ये सी है। ठीक है, इसके बाद देखो ये ऐसा दिया हुआ है, दो डायगोनल यहां पे ओ बना लेते हैं, जरूरत पड़ेगा उसका ओ बना लिए, और क्या है इसका भी जरूरत पड़ेगा इसको भी बना लिए, चलो ठीक है। ये एंगल ए है, और क्या दिया हुआ है यहां पे, फोर साइड्स ऑफ एंगल 60 डिग्री, इसको हम लोग 60 लेके चले, एंगल ए इज इक्वल टू हम लोग लेके चलते हैं 60 डिग्री, एक साइड को लिया है ये 60 डिग्री लेके चलते हैं, ये तो थोड़ा ज्यादा दिख रहा है उसको छोड़ दो। हमको क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट डायगोनल, लॉन्गर डायगोनल मतलब ए सी हमको निकालना है यहां पे, क्या निकालना है यहां पे, ए सी हमको निकालना है। ध्यान से इसको देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा भी लॉजिक यदि मिस्टेक करेंगे तो ये नहीं बनेगा। एक प्रॉपर्टी आप लोग माइंड में रखेंगे कि जो रोम्बस होते हैं उसके डायगोनल, रोम्बस के डायगोनल, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को यहां पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करेंगे। कहां पे प्रतिच्छेद करते हैं वो, 90 डिग्री पे, यानी कि ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, सारा का सारा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, यानी कि वो क्या बनकर तैयार हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ये ओ दे देते हैं, ठीक है, और ये ए दे देते हैं, ये बी दे देते हैं, ये ऐसा कुछ बनेगा, ये 90 डिग्री है, मैं इसको ऐसे पलट के लिखा हुआ हूं, ये ऐसे जो ऐसे भी मान सकते हो आप। ठीक, तो यहां पे ये 90 हो गया, चलो ठीक है। अभी और क्या बोला हुआ है, ये क्या है अपना डायगोनल है, और डायगोनल क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये जो एंगल दिया हुआ है इसको क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा, और हम लोग बता रहे हैं पहले से लेकर चल रहे हैं ये 60 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई एक एंगल 60 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 30, यानी कि ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया ये, 30 डिग्री हो गया, और ये 90 है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है ये, राइट एंगल ट्राइंगल, और हमको क्या निकालना है, ए सी निकालना है, ए सी निकालना है। अभी देखो यहां पे ए ओ है, ऑलरेडी यहां पे ए ओ है, मतलब इतना दूर ही है, तो देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा, अब यहां पे थीटा का यूज हो रहा है, मैं ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से इसको बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ एक बार यूज करें, एक आइडेंटिटी हम लोग यूज कर रहे हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, क्या होता है ये, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, यहां पे बेस क्या है, देखो ओ ए है, ये ओ ए है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस क्या है, यहां पे बी ए है, ए बी, और यहां पे दिया हुआ है सभी साइड 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये हो गया 8, ये कितना हो गया 8, समझने में टफ है लेकिन है कुछ नहीं, ये कितना हो गया 8, और ये cos थीटा, cos थीटा यानी कि cos 30 डिग्री, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं cos 30 डिग्री, कितना लिख लिया, cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, कितना होता है √3, ये सब याद होना चाहिए, √3/2 इज इक्वल टू ओ ए बाई 8, कितना लिखने में, ओ ए बाई 8, ओ ए इज इक्वल टू देखो √3 × 8/2, ये कितना हो गया यहां से 4√3, कितना आ गया ओ ए 4√3, और पूरा डायगोनल क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, यानी कि ए सी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू सीधा सीधा क्या हो जाएगा, डबल, यानी कि ये हो जाएगा 8√3, कितना हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन में आया हुआ क्या, देखो तो ऑप्शन में 8√3 सेंटीमीटर, देखो ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है 8√3 सेंटीमीटर,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या क्या यूज किया कि ये एंगल बाइसेक्टर होता है पहला, और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है दूसरा, cos 30 बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है तीसरा, चौथा cos 30 इज इक्वल टू रूट 3/2 होता है। चार चीज इसमें इस्तेमाल हो रहा है ज्योमेट्री का, और यदि आपको ये नहीं पता होगा तो नहीं बना पाएंगे। है तो क्वेश्चन इजी, लेकिन यदि आप चारों चीज में से कोई एक भी चीज ऐसी मिस हो जाएगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। है तो बहुत इजी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है और ऐसा आपसे बनना चाहिए।